पंचगव्यों से गोकुलवासियों का असुरी रोग कैसे ठीक होगा? मैया मुझे पूर्ण विश्वास है, अंते बने पंचामुख से गोकुलवासियों की व्याधियाँ दूर हो जाएंगी। गाना, तुमने हमें बचा लिया। गाना, तुम हमारे भगवान हो। गाना, ब्राह्मण भोज का हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए ब्रह्म श्रीधर। क्या धुमासी सबसे, हम जा रहे हैं। इतना तो बता दो कि तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हें क्या चाहिए। बाबा, आपने हमें वचन दिया था कि हमें हमारे जन्मोत्सव के उपहार में गाना देंगे। अब तो हमने अपना जन्मोत्सव भी बना लिया, तो लाइए हमारा उपहार, हमारा गाना। बाबा, यदि आप हमें हमारा गाना नहीं दे सकते तो हम जा रहे हैं। चलो मौसी। अरे था बिटिया, तुम जा रही हो गोपी? ये हम तुम्हें क्यों बताएं? नचड़ी राधा, बड़ बोला काना। जाओ गोपी, जाओ, रुकना मत। जाओ जाओ राधा, और लौट के मत आना। हम राधा हैं और हम किसी के नहीं सुनते, तो इस काना की क्यों सुन रहे हैं? हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम राधा हैं, हमारे बाबा के पास 1 लाख गया है, और जो हमें चाहिए वो हम पाकर ही जाते हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? ये हम तुम्हें क्यों बताएं? हम राधा हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम नहीं जाएं, तो हम नहीं जाएंगे। ये लो मैया, पर आपको हमारा उपहार देना ही होगा। लाइए दीजिए हमारा उपहार, हमारा कान्हा। कान्हा, कान्हा तो मैं हूँ। तुम कान्हा थे, अब हमारे उपहार हो, समझे? बड़ बोले कान्हा। नंद बाबा, हम राधा हैं, हमारे बाबा के पास 1 लाख गया है, और आपका कान्हा राधा के साथ अधिक प्रसन्न रहेगा। सोचिए मत, दे दीजिए अपने बड़ बोले कान्हा को हमें। ये तो बिल्कुल सही बात कही तुमने, इससे तुम्हें तुम्हारा उपहार भी मिल जाएगा और हमारा कान्हा प्रसन्न रहेगा। वही तो हम तब से कह रहे हैं, पर गुगुल में हमें कोई समझता ही नहीं। मैं तो समझ गया, परंतु ये बात तुम कान्हा को समझा, तभी बात बनेगी। नारायण नारायण प्रभु, आज देवी राधा ने अपनी ही बातों में कितनी बड़ी बात कह दी। यदि नारायण को पाना है तो नारायण का नाम ही भजना होगा, क्योंकि भक्त और भगवान के मध्य और कोई भी मध्यस्थ नहीं प्रभु। नारायण नारायण। सोच लो गाना, हम राधा हैं, हमारे बाबा के पास 1 लाख गया है, हम जिसे भी अपनाते हैं उसका मान बढ़ जाता है। यदि तुम हमारे हो जाओ तो लोग तुम्हें गर्व से राधा का काना कहेंगे। अब निर्णय तुम्हें करना है, तुम्हें सूखी बंसी बजानी है या राधा का काना बनना है। राधा हैं और हमने तुम्हारा निर्णय कर दिया है, इसलिए बढ़ाओ हाथ, चलो राधा के साथ। गोपी, मैं अपनी मैया का लल्ला हूँ, इसलिए मेरा निर्णय मैया ही करती है।
राधा बिटिया, आप तो बहुत अच्छे हो और आप बहुत मीठी मीठी बातें भी करते हो, किंतु यदि आप मेरे लल्ला को अपने साथ ले जाओगी तो कान्हा के बाबा और मैया क्या करेंगे? काकी, हम अच्छे नहीं हैं, हम राधा हैं। यदि हमें कान्हा चाहिए तो चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं बरसाना में और लौट कर कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। चलो माफी। नारायण नारायण, देवी राधा को रोकिए। यदि आज देवी राधा गोकुल छोड़कर चली गई तो सदा के लिए कान्हा से दूर हो जाएंगी, और यदि देवी राधा और कान्हा एक दूसरे से दूर हो गए तो इस समस्त संसार में आदर्श प्रेम की स्थापना कैसे होगी? प्रभु देव ऋषि, आज आप अपनी माता का कुछ अधिक पक्ष नहीं ले रहे। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी माता का ये हट अनुचित है? इस तरह एक बालक को मांगना, उसे उसकी माता से अलग करना, ये कहां तक उचित है देव ऋषि? नारायण नारायण, इसका उत्तर तो केवल माता ही दे सकती है। किंतु माता, ये कैसा हट है आपका? देवी राधा कान्हा को इस तरह मांगकर सबसे अलग कर रही है, ये तो सर्वथा अनुचित है ना माता? देव ऋषि, प्रेम में कुछ भी उचित या अनुचित नहीं होता, और आप भूल रहे हैं देव ऋषि कि आपके प्रभु ने हमें वचन दिया है, किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपके प्रभु अपना दिया हुआ वचन निभाना ही नहीं चाहते। भला ये कहां तक उचित है देव ऋषि? मौसी, हम सब समझ गए, यहां हमें कोई प्रेम नहीं करता, मैया बाबा कोई नहीं, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ राधा नहीं। चलो मौसी। आज हम समझ गए हैं देव ऋषि कि आपके प्रभु हमसे तनिक भी प्रेम नहीं करते, और जहाँ प्रेम ना हो वहाँ होना भी ना होने के समान है। देवी रुकिए। ठहरो राधा। कृष्ण चित स्थिता राधा, राधा चित स्थितो हरि। राधा के मन में कृष्ण और कृष्ण के हृदय में राधा, हृदय अर्थात केंद्र, आप ही तो मेरे जीवन का केंद्र बिंदु हैं देवी। आपके बिना मेरा अस्तित्व संभव ही नहीं, आपका होने के लिए मैं बार बार इस सृष्टि का सृजन करता हूं देवी। सबका ध्येय है मुझे प्राप्त करना, किंतु मेरा ध्येय है आपको ग्रहण करना, क्योंकि आपको ग्रहण किए बिना मैं कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता देव। लीजिए, एक बार पुनः मैं आपका हुआ। गोपी, तुम तो बहुत अच्छी हो, किंतु तुम्हारा ये हट प्रेम मुझे अच्छा लग रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने मुझे इतने हट से नहीं मांगा। अब तो कान्हा के मन में भी वही इच्छा स्थित हो गई है जो राधा के हृदय में। लो राधा, थाम लो मेरा हाथ, आज से कान्हा तुम्हारा हुआ। ओम जय श्री राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। ओम जय श्री राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। पट पीतांबर मुनि मन मोहे, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। जुग प्रेम रस जम 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 के राधा।
कृष्ण राधा कृष्ण भव सागर पार गंगा राधा कृष्ण राधा कृष्ण ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण नारायण नारायण महारानी ये गुप्त मार्ग सीधा कंस के महल के नीचे से होता हुआ यहाँ महाराजा वसुदेव और महारानी देवकी के कारागार तक पहुँचता है। किंतु अक्रूर जी, मुख्य कारागार के पूर्व यहाँ कारागार के रक्षक सैनिकों का पहरा होगा। उसकी चिंता मत कीजिए महारानी, उनको हम संभाल लेंगे। किंतु इससे पूर्व की कंस को सूचना हो महाराजा वसुदेव और महारानी देवकी को लेकर कारागार से निकलना होगा। अक्रूर जी, इस दिन के लिए हमने वर्षों से प्रतीक्षा की है। आज संसार की कोई भी शक्ति हमारा मार्ग नहीं रोक सकती, चाहे जो हो। आज हम महाराज वसुदेव और देवकी को कंस के नर्क से मुक्त करवा कर ही रहेंगे। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मैया तुम रो रही हो मैया। कान्हा, तुझे झूठी चिंता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। आज मैं समझ गई कि तू अपनी मैया से कितना प्रेम करता है। मैया, मैं तो केवल तुमसे ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मैया का लल्ला हूँ। झूठ। सच मैया, बोलो ना मैया, तुम क्यों रो रही हो? कान्हा, मैंने तुझे जन्म दिया, दुनिया में सबसे अधिक प्रेम मैं तुझसे करती हूँ। पूरा दिन माखन की मटकी लिए तेरे पीछे पीछे घूमती रहती हूँ, और तूने एक ही क्षण में अपनी मैया को पराया कर दिया। एक ही क्षण में स्वयं को राधा को सौंप दिया। अच्छा, तो ये बात है? ये कोई छोटी बात है? नहीं मैया, वो बात नहीं। तुम तो कहती हो कि मांगने वाले को निराश नहीं करना चाहिए, वो तो मैं बात से लिए। अच्छा लल्ला, तो कल को कोई तुझे मथुरा से मांगने आ जाएगा तो तू क्या अपनी मैया को छोड़ के मथुरा चला जाएगा? किंतु मैया, मथुरा तो दूर है ना मैया। महाराज, महाराज हमारा लल्ला हमें भूल तो नहीं गया होगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब मैं मेरे लल्ला को पुकारूंगी, उसे बताऊंगी कि मैं तेरी माँ हूं, तो वो मुझे पहचान ही ना सके? हमारा लल्ला हमें भूलेगा तो नहीं ना महाराज? देवकी, मनुष्य सब कुछ भूल सकता है, किंतु अपनी जन्म देने वाली माँ को कभी नहीं भूल सकता। तुम देखना देवकी, जब तुम्हारा लल्ला तुम्हें देखेगा ना, तो मैया मैया कहकर तुम्हारे हृदय से लग जाएगा। पता नहीं वो अद्भुत क्षण कब आएगा महाराज, मेरा लल्ला। मैया, मैं तुम्हारा लल्ला हूँ, या कोई मुझे मांग ले या पा जाए, किंतु मैं अपनी मैया यशोदा से दूर नहीं जाऊंगा, ये मेरा वचन मैया। सच लल्ला? सच मैया। कान्हा, कान्हा, हम राधा हैं, हमारे बाबा के पास 100,000 गैया हैं। सब हमें ढूंढते रहते हैं, किंतु हम किसी को नहीं ढूंढते, और तुम हो कि यहाँ छुपे हुए हो। आइए महारानी,
संभल। महारानी, ये है वो गुप्त मार्ग। महाराजा वसुदेव और महारानी देवकी की मुक्ति का मार्ग। आइए महारानी, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, आइए। किंतु अखरोट जी, आपको इस गुप्त मार्ग के बारे में कैसे पता चला? कंस पत्नी प्राप्ति के द्वारा। कंस की पत्नी प्राप्ति? अखरोट जी, हमारे इतने बड़े शत्रु की पत्नी पर आप इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? कहीं ये कंस की कोई कूटनीति तो नहीं? नहीं महारानी, कंस पत्नी प्राप्ति कुछ भी कर सकती है, परंतु कंस का साथ नहीं दे सकती। आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं ये? महारानी, जिस स्त्री को सुहागन होते हुए भी कंस ने विधवा का जीवन जीने पर विवश कर दिया हो, वो भला कंस का साथ कैसे दे सकती है? महारानी, ये मार्ग पूर्णतः सुरक्षित है, आइए महारानी। मैं छुपा नहीं रहा था, मैं तो अपनी मैया के साथ था। मैया मेरी श्रृंगार कर रही थी और मैं उनके साथ तुम्हारी बातें कर रहा था। कान्हा, अब तुम हमारे हो, राधा के। और राधा को ये बात बिल्कुल प्रिय नहीं कि उसका कान्हा किसी और के संग रहे। अब तुम हमारे साथ रहोगे और केवल हमारे साथ रहोगे। कान्हा, हमने तुम्हें यूं नहीं मांगा, हमें तुमसे ढेरों काल कराने हैं, चलो हमारे साथ। देखा आपने, ये कल की राधा हमारे लल्ला पे कैसे अधिकार जता रही है। हाँ यशोदा, देखा मैंने, तुमसे भी अधिक। और आप चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोलते नहीं। होंगी इसके बाबा के पास एक लाख गई है, बकाना भी हमारा इकलौता लल्ला। देखती हूँ कोई कैसे जताता है मेरे लल्ला पर मुझसे अधिक अधिकार। यशोदा, कहाँ जा रही हो? अपने लल्ला को लेने। और कहाँ? क्यों बच्चों का खेल बिगाड़ रही हो? तुमने देखा नहीं हमारा कान्हा राधा के साथ कितना प्रसन्न है? खेलने दो, तुम ब्राह्मण भोज की तैयारी करो, बलराम ब्राह्मणों को लेकर आता ही होगा। बालक सीधे चलो, नहीं तो ठोकर खा के गिर जाओगे। ब्रह्मदेव, हमारे पांव गोकुल की गलियों को भलीभांति पहचानते हैं, ठोकर लगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु आप इन गलियों से अपरिचित लग रहे हैं। बोलिए ना ब्रह्मदेव, कहाँ है आपका आश्रम, कहाँ रहते हैं आप? यदि मुझे आपको पुनः बुलाना हो तो मैं कहाँ आऊंगा? हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता बालक। ब्रह्मदेव, यह बात आपने मुझसे तो कह दी, किंतु कान्हा से मत कहिएगा, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कान्हा ना पहुँच पाए। और यह बात अगर उसे पता चल गई ना, तो वह आपसे पहले आपके आश्रम पहुंच जाएगा। चलिए। उसी कान्हा के लिए तो मैं यहाँ तक आया हूँ, और आज मैं ये पता लगा कर के रहूंगा कि ये गोकुल का तुलारा कान्हा आया कहाँ से। कान्हा, आज से एक बार ठीक से समझ लो, हम राधा है, जब हम बोलते हैं तो सब हमारी सुनते हैं और हम किसी की नहीं सुनते, इसलिए आज से तुम वही कहोगे जो हम सुनना चाहते हैं, वही सुनोगे जो हम कहेंगे, वही करोगे जो हमें प्रिय है, समझ गए? समझ गया, पर तुम्हें सुनना क्या है, मुझे कहना क्या है और हमें करना क्या है, यह कुछ समझ नहीं आ रहा। पर हम तुम्हें समय आने पर समझा दिए, पहले तुम ये बताओ कि जो हमने सुना है क्या बह सकते हैं? तुमने क्या सुना है? हमने सुना है कि यशोदा काके ही नहीं, पूरे गोकुल की सारी गोपिकाएं बड़े प्रेम से तुम्हारा श्रृंगार करती हैं। क्यों करती हैं तुम्हारा श्रृंगार? कि हमें श्रृंगार प्रिय है इसलिए। कान्हा, क्या
क्या तुम राधा हो? नहीं। तुम्हारे बाबा के पास 1 लाख गया है? नहीं तो? तो तुम्हें सिंगार क्यों प्रिय है? सिंगार तो हमें प्रिय है क्योंकि हमारे बाबा के पास ध्यान रहे 1 लाख गया है, इसलिए आज हमारा सिंगार होगा राधा का। तो मैं अपनी मैया को बुला के लाता हूँ। मेरी मैया बहुत अच्छा सिंगार करती है, वो ना बिल्कुल तुम्हें राजकुमारी बना देंगी। कान्हा, हमें नहीं बनना राजकुमारी, हम राधा हैं, इसलिए हम यशोदा काकी से अपना सिंगार नहीं करवाएंगे, अपितु आज हमारा उपहार हमारे काम आएगा। अर्थात? अर्थात ये कान्हा कि आज हमारा सिंगार तुम करोगे।